बैक माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुलेमान और आप देख रहे हैं कंप्यूटर्स ऑन चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैप्शन को जो है आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो ऑटोमेटिकली। यानी कि पिछली वीडियो में, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो शॉर्ट यूआरएल्स होते हैं उनको आप किस तरह बाईपास कर सकते हो, और मैंने आपको ऑटोमेटिक बाईपास करने के तरीके सिखाया था। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कैप्शन होता है, जिस तरह ये होता है, जिस तरह हम आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके ये जो कैप्शन आता है इसमें आपको एक चीज़ दिखाई जाती है यार, वहाँ उसको सेलेक्ट कर, उसके बाद ये हल होगा और आप जो एग्जैक्ट जो फाइल होती है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो काफ़ी लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आता, या यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, या यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो लोग चाहते हैं कि यार इसको ऑटोमेटिकली सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए जो है मैंने एक तरीका ढूंढा है जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे जो है पहाड़ों को सेलेक्ट करो, ठीक है, माउंटेन। तो यहाँ से, सॉरी, ये तो माउंटेन, ये रहा ये रहा। अगर हम नॉर्मली करते हैं तो इस तरह करते हैं, ठीक है, और ये हमारा कैप्शन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ऑटोमेटिकली करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली आपने अपने क्रोम में जाना है और वहाँ पर आपने ये सर्च करना है, मास्टर कैप्चा सॉल्व फॉर ह्यूमंस, और यहाँ पे ऐड टू क्रैम पे, सॉरी, क्रोम पे क्लिक कर देना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है, और ये आपके जो है ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऐड डाउनलोड हो रहा है, और अभी थोड़ी देर में ये देख सकते हैं हमारे पास जो है वो ऐड हो चुका है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आना है और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, आई एम एन आप रिपोर्ट पे, और यहाँ पे ये आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पर आपने स्लिप क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली जो है आपको बाईपास कर देगा, और यहाँ पे आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, और आपका जो कैप्शन है, कैप्चा है, सॉरी, तो वो जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो भाई, ये फिर आप देख सकते हैं हमारा जो कैप्चा है वो सॉल्व हो चुका है। इस तरह ऑटोमेटिकली आप जो है कैप्चा को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।